आचार्य जी, आपको सुनता हूँ तो अच्छा लगता है, बोझ कम होता जा रहा है, अब कम पकड़ता हूँ, आपके शब्द पुराने सुने शब्दों को गला दे रहे हैं, लेकिन भीतर कोई है जो कुछ ना कुछ चुन लेता है बिना मेरे जाने। पता तब चलता है जब कुछ प्रश्न पूछता हूँ आपसे या कुछ लिखता हूँ, तब साफ पता चलता है कि ये मेरे संचित ज्ञान से, सुने हुए से आ रहा है। आचार्य जी, अब 42 की उम्र हो गई मेरी, वैसे ही देरी हो गई है, समय कम है, अब इस खेल से पूरी तरह बाहर आऊं, कृपा करें। खेल से बाहर नहीं आना है, खेल से बाहर कुछ है नहीं, वहां कहां आएंगे? और खेल से बाहर जो है वो है ही, उसमें आप क्या जोड़ जाएंगे? उसे कोई आवश्यकता नहीं कि कोई उसे आके मिले, कोई वृद्धि हो उसमें। खेल में रहना है, खेल को खेल जानना है। उपनिषद कहते हैं चरैवेति, चलते रहो। खेल हमें कुछ भी लगता नहीं, वास्तविक खेल वो है जिसका कोई लक्ष्य होता नहीं। जिसकी कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, जिसके कोई नियम कायदे नहीं, जिसकी कोई दिशा नहीं। सो खेल, आप ये दिशा क्यों पकड़ना चाहते हो कि खेल खत्म करना है, कि खेल से बाहर आना है? आपने कहा कि भीतर कोई है जो शब्दों को पकड़ लेता है, संचय करता रहता है, ज्ञान जमा कर लेता है। उसे करने दीजिए ना, जो भी कर रहा है। खेल में जब कोई नियम कायदा नहीं होता तो किसी चीज की मनाही भी होती है क्या? वहां तो जो कर रहा हो करे। समुद्र तट पर बच्चे खेल रहे हैं, कोई घरौंदा बना रहा है, कोई लोट रहा है, कोई पानी में घुस गया है, कोई दौड़ लगा रहा है, कोई रेत के हथगोले बना रहा है, कोई मुंह छुपा के रो रहा है, किसी को हंसने से फुर्सत नहीं, किसी को भेलपूरी ने आकर्षित कर लिया है, कोई दूसरे को पछी आ रहा है, आज मारूंगा। कहिएगा खेल कौन नहीं खेल रहा है इसमें से? जो गेंद उछाल रहा है वो भी खेल खेल रहा है, जो गेंद बालू में गाड़ रहा है वो भी खेल खेल रहा है। खेल में तो सब है। कोई भाग रहा है लहरों की तरफ गीला होने के लिए, और कोई भाग रहा है लहरों की तरफ इस तरह कि लहरें भी मिल जाएं और गीला भी ना हो जाऊं। खेल में तो सब कुछ है। ये कोई खिलंदड़ बात ही नहीं हुई कि खेल से बाहर आना है। यह तो बड़ी खेल के प्रतिकूल बात हो गई।
आयोजित खेल होते हैं जिनमें समय सीमा निर्धारित होती है कि अब खत्म है, बाहर आओ। बच्चों के खेल तो लगातार चलते रहते हैं, जब वो सो गए तब भी चल रहे हैं, अचानक उठेंगे फिर खेलने लगेंगे, और सोते सोते भी खेल रहे हैं, तो खेले जा रहे हैं। यहां खरगोश हैं, वो सिर्फ खेलते हैं। अब आप उनसे कहेंगे खेल से बाहर आओ, तो कहेंगे क्या करें, खरगोश ही ना रह जाए, क्योंकि जब तक हम हैं तब तक खेलेंगे, मारी दो हमें, या तो इंसान बना दो। दो ही तरीके हैं खेल खत्म करने के, क्योंकि हम तो जब तक हैं तो हम खाएंगे तो खेलेंगे, पानी पिएंगे तो चलेंगे, तो सूंघेंगे तो चढ़ेंगे, तो उतरेंगे, तो याद रखेंगे, तो भूलेंगे। तो जो खेल नहीं लगता हो उसे भी खेल जानिए, कुछ नहीं है खेल के बाहर, इसीलिए आप खेल के बाहर आ नहीं सकते। जो कुछ हो उसे ही खेल जान लीजिए, जो सामने आए और लगे कि ना ये तो खेल नहीं, ये तो बड़ी गंभीर बात है, बड़ी असली बात है, इसके साथ तो मन लगाना पड़ेगा, अरे जरा मूल्य दो, कुछ विशिष्ट होता है, तो उसको ऐसे ही जान लीजिएगा कि तट पर कोई मोटा सा बच्चा आ गया है जो बता रहा है कि देखो असली खेल ऐसे खेलते हैं। वो जरा धौंस जमा रहा है, सबसे कह रहा है हां ये कोई खेल है, बालू फेंक रहे हो, ये कोई खेल है, पजामा गीला कर रहे हो, ये कोई खेल है, घरौंदा बना रहे हो, हम तुम्हें बताएंगे खेल। वो सही भी कह रहा है गलत भी कह रहा है, वो सही ये कह रहा है कि वो जो भी खेल बताएगा वो तो खेल होगा क्योंकि सब कुछ ही खेल है, और गलत वो ये कह रहा है कि वो सिर्फ अपने खेल को खेल जानता है, बाकियों के खेल को कह रहा है ना ये तो ही खेल है। खेल तो खेल है, खेल के बाहर भी महाखेल है। बाहर कहां जाओगे, जिसे बाहर जाने की जल्दी है वो बाहर अपने में ही और ज्यादा प्रवेश कर जाता है, मन के बाहर और मन है। बाहर क्या है, धारणा है जिसका नाम है बाहर, जिसको आप बाहर कह रहे हो ना, वो जब तक है तब तक कुछ अंदर भी होगा, अंदर बाहर का भेद जब तक है तब तक द्वैत है, और जब तक द्वैत है तब तक तुमने खेल कहां माना, क्योंकि खेल में तो एक द्वैत नहीं होता मूल, कि जीत और हार का अंतर, जब जीत और हार के अंतर का द्वैत मिट गया तब खेल है, और अगर खेल द्वैत है तो फिर अंदर और बाहर का द्वैत भी नहीं हो सकता, तो बाहर कहां जाओगे। न अंदर कुछ न बाहर कुछ, न अंदर और बाहर के भीतर की सीमा कुछ, कह रहे हैं 42 की उम्र हो गई, तो बड़ी गंभीरता है ना, इसी जन्म में कुछ हासिल कर लूं, ये खेल का लक्षण है। ये तो महत्वाकांक्षा है, समयबद्ध लक्ष्य बांधा है, हाँ टाइम बेस्ड टारगेट, करीब 20 साल है मेरे पास, उस 20 साल के अंदर अंदर परमात्मा को कम से कम 3/4 तो पाई लेना है,
क्या होगा 20 साल में, मर ही जाएंगे ना। पर मौत को खेल तब जाना होता है जब जीवन को खेल जाना होता है। जिसके लिए जीवन खिलवाड़ उसके लिए फिर मौत भी खिलवाड़, जिसके लिए जीवन खिलवाड़ वो मौत को गंभीरता से लेगा नहीं। मरने के बाद भी खेलते रहिएगा, मरना ऐसा ही है जैसे तट पर एक घरौंदा टूट गया, लहरों का आना जाना नहीं रुकेगा, खेल चलता रहेगा। बच्चों का आना जाना नहीं रुकेगा, खेल चलता रहेगा। घरौंदे बनते हैं मिट जाते हैं, खेल चलता रहेगा। जो घरौंदा मिट गया, थोड़ी ही देर बाद वो किसी बच्चे के हाथ की गेंद होगा। कहिए घरौंदे का खेल खत्म हो गया या घरौंदा एक नए खेल में शामिल हो गया। खेल चलता रहेगा। बाहर जाने की इच्छा त्यागिए। परफेक्शन का ख्याल त्यागिए। अपनी हर गलती के प्रति प्रेमपूर्ण हो जाइए। और खेले जाइए।